What's up boys, Probos here. तो फिर आज हम लोग खेलने वाले हैं Minecraft, जो कि obviously हम लोग हमेशा खेलते हैं, बट आज मैं बहुत दिनों बाद अपने भाई को ट्रोल करने वाला हूँ। मतलब एक दो महीने हो गए मैंने उसको ट्रोल नहीं किया, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं उसके वर्ल्ड में आया हूँ। तो फिर जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हुआ उसका स्पॉन पॉइंट है, और क्योंकि इसने ना चीट्स अपने ऑफ रखे हैं, तो फिर वो मुझे टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझको उसने कहा है कि यहाँ पर है ना मुझे एक पिलर मिलेगा बड़ा सा, और उस पिलर के साइड में मुझे एक साइन बोर्ड मिलेगा जिसको फॉलो करके मैं उसके घर तक पहुंच सकता हूँ। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग है ना वो पिलर ढूंढेंगे। तो फिर उसने कहा था कि वो पिलर मेरे आसपास ही होगा, तो देखो वो रहा पिलर, तो चलो उस पिलर के पास जाते हैं। ये वुल्फ क्या कर रहा है यहाँ पर, पास तो देख ले, एक लाइक करेगा, छोड़ रहने दे। तो फिर ये देखो ये रहा पिलर, और इसके साइड में एक साइन बोर्ड भी है, और इसमें लिखा है गो स्ट्रेट। ओ भाई स्ट्रेट की स्पेलिंग तो देखो, बेचारे को स्ट्रेट की स्पेलिंग नहीं बताती। गाइज एक लाइक ठोक दो मेरे बेचारे भाई के लिए। तो फिर यहाँ से मुझे स्ट्रेट जाना है, तो फिर ये काफी लंबा सफर होने वाला है। तो फिर सबसे पहले तो मुझे बोट बनाना पड़ेगा। बोट बनाने के लिए मुझे वुड की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे कूट कूट कर भरा है। ओके तो 5 वुड हो गए मेरे पास, और अभी मैं इनके प्लैंक्स बना लेता हूँ, और अभी इसका क्राफ्टिंग टेबल। तो फिर बोट को बनाने के लिए पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक शवल। ओके तो बोट बन के रेडी है, तो फिर बोट को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। एक मिनट क्राफ्टिंग टेबल तो ले लूँ, और अब चलते हैं बोट में सफर करने। तो फिर जब तक मैं उस एरिया तक पहुँचू, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब के बटन को जला दो, सिर्फ 2 सेकंड का काम है। और तुम लोग कमेंट में बताओ यार ये शेडर्स तुम लोगों को कैसा दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो ये वाला शेडर्स है ना बेस्ट है। यार पता नहीं मैं इसको कैसे ट्रोल करूंगा, क्योंकि इसने सारे चीट्स भी ऑफ रखे हैं, बट मैं कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा उसके साथ। तो फिर वो देखो आगे मुझे पिलर दिख रहा है, तो फिर ये रहा, फिर काफी अच्छा पिलर बनाया उसने। और ये देखो यहाँ पर स्लैब्स लगे हुए हैं, वो तो मुझे इन स्लैब्स को फॉलो करके उसके घर तक जाना है। आइडिया वैसे काफी अच्छा लगा है उसने। स्लैब्स खत्म हो गए क्या, कहाँ पर है स्लैब्स? अच्छा वो रहे, सॉरी बातों बातों में मैं और ही जगह में आ गया। तो फिर ये स्लैब्स काफी दूर तक लेके जा रहे हैं हमें। ये रहा स्लैब, ये रहा स्लैब, ये रहा। तो ये देखो ये स्लैब्स अभी माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, मतलब इसका जो घर है वो माउंटेन के ऊपर भी हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पर उसने कुछ स्टेयर स्टेप बनाए, और वो रहा उसका घर। वैसे मानना पड़ेगा काफी अच्छा घर बनाया उसने, बट ये घर जो है वो एकदम फेस की तरह दिख रहा है। ये उसकी आईब्रोज, ये उसकी आंखें, और ये इसका मुंह लग रहा है, और ये इसकी एक छोटी सी मूंछ। तो देखो ये रहा मेरा भाई। ओ तो इसने मेरा, ओ मार रहा है मुझे भाई, इसने मेरा नाम चुरा लिया, शर्म नहीं आती? और ये मुझे घर में भी आने नहीं दे रहा है। अपना घर बनाओ, तुम मेरे घर में नहीं आ सकते। अच्छा ऐसा क्या, शायद से वो अभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर मुझे यही आसपास कहीं तो एक अलग सा घर बनाना पड़ेगा। और ये देखो इसके घर के पीछे इसने स्ट्रिप माइनिंग की है। तो फिर सबसे पहले तो मैं ना पेड़ काट के आता हूँ, और फिर उसके घर के पीछे एक छोटा सा घर बना लेता हूँ मेरा, फिर हम लोग अपना प्लानिंग शुरू करेंगे। वैसे तो एक सिंपल सा ही घर बनाना है, कोई मॉडर्न वॉर्डन वाला नहीं बनाना है। फिर अभी मेरे पास 24 प्लैंक्स है, इससे मैं अपना बेस बना लेता हूँ पहले। ये देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, हेलो। अरे ओ शिट, बनाता हूँ मैं अपना चुपचाप। ओ रात होने आई है, और मेरे पास बेड भी नहीं है, शिट बेड तो बनाना भूल ही गया। ओके तो 2 वूल हो गए, और अभी एक और चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 शिफ्ट्स है, देखो लक भी अभी मेरा साथ दे रहा है। तो फटाफट से एक बेड बना लेते हैं, और रात भी हो रही है, और यार अगर मॉब्स आ गए ना तो मर जाएंगे। ओके तो बन गया बेड, और अब इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, और स्वीट ड्रीम्स। A few moments later. अरे हाँ मैं तो अकेला सोया हूँ, मेरे भाई को भी सोना पड़ेगा, एक मिनट इसे बोलना पड़ेगा अभी। A few moments later. अरे जल्दी सो जा, कितना टाइम लगा रहा है। A few moments later. Okay, हो गई फाइनली सुबह। सच में आ रही शेडर्स देखो तुम लोग, सनराइज कितना प्यारा दिख रहा है। तो फिर मुझे अब थोड़े से और वुड कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कम है। लॉल मैं कब से हाथ से तोड़ रहा था पेड़, एक्स तो मैं बनाना ही भूल गया। और देखो ये मेरा घर देखने आया है, ये क्या कर रहा है, फूट ले यहाँ से, छोड़ो इसका कोई भरोसा नहीं है, ये मार वार देगा मुझे। ये देखो क्रीपर, मेरा पुराना दुश्मन, फूट यहाँ से। अबे ये क्या बना दिया उसने, ये क्या मस्तीगिरी किया उसने, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब इसे तोड़ने के लिए मुझे एक पिकेक्स बनानी पड़ेगी। चलो तो अभी ये सब चीज को क्लीन कर लेते हैं। ओके तो हो गया फाइनली। है पिगो क्या कर रहा है, फूट यार, फट फट। चलो तो अभी थोड़ा सा ना खाना भी कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। A few moments later. ये देखो दुनिया का सबसे बेस्ट घर रेडी है। तुमको पता नहीं कितनी मेहनत लगी है इसको बनाने में, कितना प्यारा दिख रहा है घर। चलो तो एक बार ना इसका ये माइनिंग भी चेक कर लेते हैं, क्या पता नीचे कुछ डायमंड वायमंड छुपा के रखा हो। ओ शेट ये काफी डरावना है, अगर गिर गया ना तो सब कुछ चले जाएगा, और वहां पर एक जॉम्बी भी है।
यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है, क्योंकि मैं यहाँ पे पंगे लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे ट्रोल करने आया हूँ। तो फिर यहाँ से मैं थोड़े से स्टोन ले लेता हूँ फर्नेस बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा है ना खाना पका लेते हैं, क्योंकि पेट में बहुत बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। बन गया खाना, अभी चबा चबा के खाऊंगा। ओके, तो मैंने एक स्टोन की सॉर्ड भी बना ली। तो फिर अभी आता है प्लानिंग करने का समय कि हम लोग उसे ट्रोल करें तो करें कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई आइटम्स भी नहीं है और मैं क्रिएटिव में भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने सारे चीट्स और कमांड सब कुछ ऑफ करके रखा है। सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 2 hours later. मेरे पास एक प्लान है, अगर उसके पास डायमंड्स हुए तो फिर हम उसको चुरा के उसे ट्रोल कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि उसके पास डायमंड है या नहीं, और उसके लिए मुझे उसके चेस्ट चेक करने पड़ेंगे, और चेस्ट चेक करने के लिए मुझे उसके घर पे जाना पड़ेगा। बट वो मुझे घर में आने नहीं देगा, क्योंकि उसको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मेरे ख्याल से मुझे ना इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, और एकदम अच्छी तरह बिहेव करना पड़ेगा इसके सामने, तब जाके ये मुझे घर में आने देगा। एक मिनट, अभी ये मेरे पास क्यों आया है? क्या चाहिए क्या तेरे को? खाना लेके आया मेरे लिए? अरे क्या चाहिए तुझे? यहाँ से हिल भी नहीं रहा है ये बंदा। वो अभी बाहर जा रहा है तो घर में क्यों आया? एक मिनट, ये करना क्या चाहता है? छोड़ो यार, नूब है एक नंबर का। एक मिनट, मेरा बेड कहाँ पे गया? अच्छा, मेरे पास ये बेड, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। एक मिनट, अभी वो बाहर खड़ा है क्या? एक मिनट, ये चिकन देने आया था मुझे। ये देखो कैसे बाहर छोड़ के गया चिकन, मतलब इतने देर से ये सिर्फ चिकन देने आया था मुझे। चलेगा वैसे, थैंक यू, मुझे खाने की बहुत ज़रूरत थी। तो फिर अब मुझे एक चेस्ट बनाना पड़ेगा सारे आइटम स्टोर करने के लिए, बट मेरे पास वुड नहीं है। बट अभी बहुत रात हो रही है, मॉब्स कभी भी आ सकते हैं। वो मेरे भाई के पीछे एक स्पाइडर पड़ा हुआ है, इसे तो मैं देख लूंगा। एक मेरे भाई की सॉर्ड मेरे ऊपर लग गई। चलो कोई बात नहीं, वो भाई सब मॉब्स मेरे भाई के पीछे पड़े हैं। चलो मैं भाई को बचाता हूँ। आ जाओ, एक एक को पीटूंगा मैं। मुझे इसके साथ रह के ही काम करना पड़ेगा अभी, फिर ये हमारे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करने लगेगा, और फिर शायद अपने घर में भी आने दे हमें। और ये क्या कर रहा है? ओ, ये थैंक्स लिख रहा था। हमारा काम शायद से बन रहा है, पर ऐसे ही मुझे इसकी मदद करते रहना है, और फिर ये हमारा दोस्त बन जाएगा, फिर उसी का फायदा उठा के। ओके, तो एकदम सही मौका लग रहा है। तो हम लोग इसे घर में जाके चेक करते हैं इसके घर में डायमंड्स है कि नहीं। तो फिर ये वाले चेस्ट में तो नहीं है, और ये वाले चेस्ट में भी नहीं है। अभी जल्दी से निकल लेता हूं यहां से। ओके, तो उसने नहीं देखा हमें। ओह, इसके हाथ में डायमंड्स है। ओ भाई, सोचा नहीं था मैंने कि इसके पास डायमंड्स होंगे। इसने अपने घर से निकाल के अपने इन्वेंट्री में रखे हुए डायमंड्स। भाई काफी क्लेवर निकला ये तो, बट इसका राज हमें मालूम पड़ चुका है। तो फिर अभी हमें शायद से सो जाना चाहिए। मैं इसको लिख देता हूँ सोने को। अरे मार क्यों रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है गलती से। तो चलो सो जाते हैं, और सुबह उठ के सोचेंगे इसका क्या करना है। मेरे ख्याल से अभी वो थोड़ा सा मेरा फ्रेंड टाइप बन गया है। तो फिर मुझे ना अभी एकदम मस्त वाला प्लान सोचना पड़ेगा। सोच प्रगो, सोच। फाइनली एक मस्त वाला प्लान सूझा है, बट मैं 100% नहीं कह सकता ये वर्क करेगा। तो फिर सबसे पहले तो मैं उसके पास जाता हूँ, और फिर इसे कुछ सामान देता हूँ ताकि मुझ पर शक ना करे। कहाँ पर गया ये? अच्छा ये रहा। तो फिर अरे रुक जा। तो फिर अब मुझे कोई भी एक सामान देना है। मेरे पास तो सब कुछ फालतू सामान ही पड़ा हुआ है, बट कुछ ना कुछ तो देता हूँ उसको मैं। चलो, तो मैं इसको एक ये शवल दे देता हूँ, और 3 फूल दे देता हूँ, और थोड़ा बहुत खाना भी ले ले उसको। इतना क्या घूर के देख रहा है, डर क्यों रहा है? ले ले उसको। फिर इसको फिर से हमने थोड़ा सा दोस्त बना लिया है, तो फिर शायद अब ये मुझे नहीं मारेगा। तो फिर इस घर को पूरा छान मारते हैं। ओके, तो समझ गया मुझे क्या करना है अभी। तो फिर सबसे पहले तो मैं यहाँ से खोदूंगा। उसने गलत खोद दिया, होप करता उसने देखा नहीं। तो फिर यहाँ पर उसका चेस्ट भी होना चाहिए, देखो ये रहा। तो फिर अभी इन चेस्ट को मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो फिर सबसे पहले तो मुझे ना हॉपर की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हॉपर बनाने के लिए मुझे आयरन की जरूरत पड़ेगी, और आयरन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इससे मांग लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसे काफी आइटम्स दिए हैं। तो फिर ये भी मुझे देगा पक्का। थोड़े से आयरन देना प्लीज। तो देखते ये देता है कि नहीं मुझे। वो तो ये अभी हमें चेस्ट में से लेने की भी परमिशन दे रहा है। वो काफी सारा आयरन है अंदर, तो मैं 64 ले लेता हूँ, और अभी यहाँ से फूड लेता हूँ। लॉल, मैंने पूरा स्टैक ले लिया आयरन का। तो फिर अभी मुझे इसका ना हॉपर बनाना पड़ेगा। वो तो हॉपर बनाने के लिए हमें चेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, बट मेरे पास अभी प्लैंक्स नहीं है। तो फिर अभी मैं वुड काट के आता हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारे प्लैंक्स कलेक्ट कर लिए। तो फिर इससे मैं 3 चेस्ट बना लेता हूँ। तो फिर अभी मैं इससे हॉपर्स बना लेता हूँ। वैसे तो ये प्लान एकदम स्टूपिड है, बट अगर ये वर्क कर गया ना, तो सारे डायमंड जितने भी होंगे ना उसके पास, सारे हमारे पास आ जाएंगे। ओ, क्या ये अभी माइनिंग के लिए जा रहा है?
ये अपना सबसे बेस्ट मौका है, तो सबसे पहले तो मैं ना यहाँ पर चेस्ट लगाता हूँ और अब मैं उसके नीचे जाऊंगा और फिर यहाँ पर दो हॉपर लगा दूंगा। यार एक और चेस्ट की जरूरत थी, तो फटाफट से मैं ना पेड़ काट के आता हूँ। ओ शिट यार रात हो रही है, बट अब बस मुझे ना एक लास्ट काम करना है, एक चेस्ट बनाना है और उसके नीचे डाल देना है। ओके तो डाल दिया चेस्ट और अब वो माइनिंग के लिए गया अभी। ओ शिट 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 मैं गया, 1 HP से बचा हूँ। अभी आजा स्केलेटन के बच्चे, नूप स्केलेटन। तो फिर अब वो है ना जैसे ही कोई भी सामान इस चेस्ट के अंदर डालेगा ना तो वो वाला सामान नीचे आ जाएगा, तो फिर अब वो जैसे ही माइनिंग करके वो ऊपर आएगा ना तो मैं उसे कहूंगा कि तू अपनी सारी कीमती सामान इस चेस्ट के अंदर डाल दे, क्योंकि अगर तू मर गया ना तो फिर तेरे सारे कीमती आइटम जा सकते। तो मुझे ना उसको बिल्कुल इस तरीके से डराना है, और जब वो जैसे ही डायमंड डालेगा वैसे ही सारे डायमंड गायब हो जाएंगे। और वो इतना बड़ा नूब है ना कि उसको हॉपर्स भी नहीं पता कि हॉपर्स का क्या काम होता है, तो फिर अगर उसके डायमंड गायब हो गए ना तो वो मुझ पर ब्लेम करेगा। तो मैं उसे कह दूंगा कि ये एक माइनक्राफ्ट का ग्लिच था और अब तुझे अपने डायमंड्स कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये सेम चीज मेरे साथ भी हुआ है। तो फिर इस तरह मैं उसको ट्रोल करने वाला हूँ। तो अगर ये वाले ट्रैप में फंस गया ना तो यार एकदम मजा ही आ जाएगा। और ये देखो एकदम सही समय पर ये आ भी गया। तो फिर पहले तो मैं इसके घर के अंदर जाता हूँ और लिखता हूँ, अपने सारे कीमती सामान चेस्ट में डाल, अगर मर गया तो कभी नहीं मिलेगा वापस। तो फिर देखते हैं डालता है कि नहीं। क्या नहीं बोल रहा है, कैसे भी करके इसको बातों के जाल में फंसाना पड़ेगा। ठीक है फिर बोलना मत अगर मरा तो। ये पढ़ने का शायद से ये ट्रस्ट कर लेगा मुझ पे और डाल लेगा। तो भी मैं चुप चुप के देखता हूँ। उसने रुक बोला, अरे क्या डाल रहा है इसके अंदर, रोज डाल रहा है क्या? वो आ गया उसके हाथ में डायमंड। अरे डाल दे जल्दी प्लीज, डाल देना भाई, इतना क्यों सोच रहा है। ओ शिट यार ज़ॉम्बी कहाँ से आ रहे हैं यार, इतने इंटेंस मोमेंट में यार ये ज़ॉम्बी आ रहे हैं। ओके तो मार दिया मैंने ज़ॉम्बी। और उसने लिखा है मेरे पास सिर्फ एक ही डायमंड है। यार एक डायमंड से हमारा क्या होगा, कोई बात नहीं डाल दे प्लीज जल्दी डाल दे। वो डाल दिया मेरे के अंदर। तो मुझे एकदम नॉर्मल एक्ट करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ सो जा अभी, क्योंकि सुबह हो गई। वो ये देख रहा है कि इसके डायमंड्स खा गए, अब मुझे चले जाना चाहिए शायद, बेचारा डायमंड्स ढूंढ रहा है। वो उसने लिखा मेरे डायमंड्स किधर है। मैं लिखता हूँ चेस्ट में डाले थे ना। अरे ये क्रीपर कहाँ से आया यार, चेस्ट में डाले थे ना तूने, मेरे पास नहीं है। हाँ मुझे चाहिए प्लीज, मैंने बहुत मेहनत किया था। यार इसकी बातें सुन के तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मन कर रहा है दे दो इसको डायमंड, बट यार एक ही तो डायमंड था यार, मार रहा है ये तो, शायद से माइनक्राफ्ट ग्लिच होगा। वैसे भी एक ही डायमंड था ना यार, एक डायमंड के लिए इतने क्यों नखरे कर रहे हैं, ग्लिच है क्या? हाँ मेरे साथ भी हुआ था, सॉरी ब्रो बट तेरे साथ स्कैम हो चुका है बहुत बड़ा। एक मिनट इससे कैसे मालूम पड़ा, नहीं बना रहा रे, मार क्यों रहा है, एक ही तो डायमंड था। ठीक है रहने दे। ओके फाइनली इसका गुस्सा शांत हो गया। चलो तो अभी हम लोग इसका डायमंड ले लेते हैं, देखते हैं। ओ माय गॉड, इस बंदे ने 23 डायमंड छुपा के रखे थे, इसीलिए इतना परेशान है वो। यार बहुत बुरा लग रहा है अभी मुझे, मुझे लगा था एक डायमंड होगा चलेगा ले लेंगे, बट इसने तो पूरी जिंदगी की कमाई डाली थी अंदर। फिर आज का जो हम लोग का प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया है, एकदम 200 IQ प्ले था। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या करूंगा, इसको मैं ना सारे डायमंड्स दे दूंगा वापस से और इसको एकदम खुश कर दूंगा, और फिर बाद में इसका पूरा घर बॉम्ब से फोड़ दूंगा और मेरे भाई की सर्वाइवल सीरीज पूरी एंड हो जाएगी वहां पर ही। तो फिर काफी मजा आएगा। तो फिर तुम लोग है ना फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है ना उसको भी ऑन कर दो, ताकि है ना तुम लोग नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करो। और यार अब इतना देख लिया तो लाइक भी फोड़ के जाओ ना यार, और कुछ नहीं, बाय बाय। We'll be right back.